व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, आई एम अंकित। सो वेस्टर्न कंट्रीज में ना एक लहर सी चल रही है 75 हार्ट चैलेंज, जिसका मतलब है 75 डेज तक अपनी माइंड और अपनी बॉडी को ऐसी हार्ट सिचुएशन में डाल दो कुछ ऐसे 5 रूल्स फॉलो करके, जिसमें से अगर एक भी दिन में एक भी रूल मिस हुआ ना तो आपको वापस से वो चैलेंज करना पड़ेगा, यानी कि 75 डेज तक। बहुत ही टफ है, बट बहुत सारे लोगों को इसमें काफी अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं। इंडिया में भी बहुत सारे लोगों ने इसको कंप्लीट किया है सक्सेसफुली एंड काफी सारे लोग इस रेस में दौड़ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ एक चैलेंज है जो कि सालों से चलता चला आ रहा है, विच इज नो फैप चैलेंज, जिसमें हमें मास्टरबेट नहीं करना होता है, यानी कि अपने सीमन को अपनी बॉडी में ही कंट्रोल करके रखना होता है, जिससे भी हमें काफी अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। बहुत सारे ऋषि मुनि सालों से करते चले आ रहे हैं, ब्रह्मचर्य को फॉलो करते चले आ रहे हैं। तो कौन सा चैलेंज ज्यादा बेटर है, 75 हार्ट चैलेंज या फिर नो फैप चैलेंज? कौन सा हमें करना चाहिए, हमारे लिए कौन सा बेस्ट है, क्या हमें करने की जरूरत भी है? बहुत सारे मिथ्स हैं हम सबके मन में, बहुत सारे डाउट्स हैं, तो आज इन्हीं सारे डाउट्स को हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। सो बहुत ही अल्टीमेट वीडियो होने वाला है, मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड, लाइक कर दीजिए इस वीडियो को, सब्सक्राइब टू माय चैनल, प्रेस द बेल नोटिफिकेशन सो दैट जब कभी भी मैं वीडियो डालूं आपके पास नोटिफिकेशन जरूर आए। लाइक जरूर कर देना क्योंकि तभी मुझे मोटिवेशन मिलती है आप लोगों के लिए वीडियो बनाने की। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं 75 हार्ड चैलेंज के बारे में। इसमें 5 बेसिक रूल्स हैं। पहला रूल है, आपको अपनी एक एवरीडे पिक्चर लेनी है। पिक्चर क्यों लेनी है? जो भी आपकी प्रोग्रेस है, जो भी आप दिन भर करते चले जा रहे हो, फर्स्ट डे से लेकर के 75 डेज तक आपको अपने अंदर विजिबल चेंजेस मिलेंगे और आपकी प्रोग्रेस भी ट्रैक में रहेगी, इसीलिए ये हम लोगों को फोटो लेनी होती है। ये पहला रूल है इस चैलेंज का। नेक्स्ट रूल इज कि हमें मिनिमम 4 लीटर्स ऑफ वाटर दिन में पीना ही है। बहुत ही ईजी लग रहा होगा ना, वेल एक्चुअली में ये ईजी नहीं है, क्योंकि 90% जो इंडियंस का ब्रेन होता है ना वो डिहाइड्रेटेड रहता है, जिसकी वजह से हम लोग अच्छे से फंक्शन नहीं कर पाते हैं। तो इसीलिए अपने ब्रेन को, अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखने के लिए हमें 4 लीटर्स ऑफ वाटर पीना ही है। वर्कआउट एवरीडे फॉर 2 आवर्स, जिसमें से 45 मिनट्स आपको आउटडोर वर्कआउट करना है, जैसे कि पार्क में या फिर जो ओपन जिम होते हैं उसमें आप रनिंग, वॉक, जॉगिंग, योगा कुछ भी कर सकते हो, और जो बाकी का 45 मिनट्स है उसमें आपको इंडोर वर्कआउट करना है, जैसे कि जिम या फिर वेट ट्रेनिंग। ये भी एक मेन रूल है इस चैलेंज का। हेल्दी डाइट फॉलो करनी है, जिसमें कि आपको होम कुक्ड मील ही खाने हैं और प्रोटीन रिच डाइट खानी है, जो कि आपकी बॉडी के लिए एक अच्छा फ्यूल का काम करेगा, और बिल्कुल भी जंक नहीं खाना है। लास्ट इज 10 पेजेस ऑफ सेल्फ डेवलपमेंट बुक, ये जरूर पढ़नी है, जिसमें कि आप कोई भी नॉलेज वाली बुक पढ़ सकते हो, आप अगर कोई धर्म को फॉलो करते हो तो वो भी पढ़ सकते हो, बट कोई भी नॉन फिक्शनल नहीं पढ़नी है, या फिर हैरी पॉटर या जो भी होती है ना रैंडम बुक्स, वो नहीं पढ़नी है। इसके साथ साथ इस चैलेंज में कोई भी एक्सेप्शन नहीं है, कुछ भी रूल तोड़ना नहीं है, बिल्कुल भी चीटिंग नहीं करनी है, एंड ये है आपका पूरा 75 हार्ड चैलेंज। बहुत ही टफ है एंड इसमें हमारी बॉडी ऐसे एक्सट्रीम सिचुएशन को फॉलो करती है ना कि हमारे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है सर्वाइव करने के लिए, बट जब आप 75 डेज तक इतनी मुश्किलों का सामना कर लेते हो ना तो आप एक अच्छे इंसान, आपकी हेल्थ, बॉडी, माइंड सब कुछ एक अच्छी सिचुएशन पे होता है, पोजीशन पे होता है, तो ऑफ कोर्स ये बेनिफिशियल तो है ही। अब देखते हैं हम लोग नो फैप चैलेंज को, जो कि हम लोग सालों से करते चले आ रहे हैं, मैं भी कर चुका हूं, आप में से कई सारे लोग इस चैलेंज को फॉलो भी कर चुके हो, उसके बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। तो जब हम मास्टरबेट नहीं करते हैं ना तो सीमन जो होता है, जो कि हमारे शरीर में मौजूद ब्लड एंड प्रोटीन से मिलकर बना होता है, तो वो हमारे शरीर में ही रहता है और हमारे ही शरीर में वो वापस से न्यूट्रिएंट्स देना शुरू कर देता है, जिसका फर्क हमारी स्किन में, हमारी बॉडी में, हमारी एनर्जी में हो जाता है। और लोगों का ये भी मानना है अगर आप 30 डेज तक मास्टरबेट नहीं करते हैं ना तो टेस्टोस्टेरोन आपका 9% तक बूस्ट हो जाता है, अप चला जाता है, विच इज अगेन गुड फॉर योर बॉडी हेल्थ एंड माइंड। बट इससे क्या हमें सच में फायदा होता है नो फैप चैलेंज से? तो रिसर्च के अकॉर्डिंग ऐसा कोई साइंटिफिक प्रूव नहीं है कि जिससे आपको सच में ये फायदा होता है, बट हमारे जो ऋषि मुनि हैं सालों से जो योगीज करते चले आ रहे हैं ये पर ब्रह्मचर्य को फॉलो, तो ऑफकोर्स उनकी एनर्जी में, उनके स्किन में, उनके बालों में चेंजेस तो आते हैं, बट क्योंकि हम लोग बहुत ज्यादा स्ट्रेस में रहते हैं, हमारी लाइफ वैसी नहीं है, इसीलिए हमें उसका प्रॉपरली फायदा नहीं हो पाता है। अब ये देखते हैं कि हमें कौन सा चैलेंज करना चाहिए, 75 हार्ड चैलेंज या फिर नो फैप चैलेंज। तो चलिए इन दोनों चैलेंज को हम लोग कंपेयर करते हैं। नो फैप में कोई भी ड्यूरेशन नहीं है, मतलब कि 30 डेज, 45 डेज, 90 डेज, एक साल तक, ऐसा कुछ गोल नहीं होता है, तो इसी वजह से ना हम ये चैलेंज प्रॉपर्ली कर नहीं पाते हैं, हमारे लिए इतना ज्यादा इजी नहीं हो पाता है। वहीं 75 हार्ड चैलेंज में हमें पता है कि हमें 75 डेज तक ही करना है, तो इसीलिए हम लोग अपना 100% दे देते हैं और अच्छे से वो चैलेंज को कंप्लीट कर लेते हैं। नो फैप चैलेंज में क्योंकि हम लोग मास्टरबेट नहीं कर रहे हैं तो बहुत सारे लोगों को फ्रस्ट्रेशन भी हो जाता है, वहीं 75 हार्ड चैलेंज में ऐसा कुछ भी नहीं है, आप मास्टरबेट कर सकते हो।
तो इसलिए हमारे लिए इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग नहीं होता है ये चीज करनी। नोफैप चैलेंज में हमारी स्किन, हेयर, एनर्जी में फर्क आता है, फिजिकली कुछ भी नहीं आता है क्योंकि वर्कआउट के लिए इसमें कोई भी रूल नहीं है। वही उल्टा 75 चैलेंज में आपकी स्किन, बॉडी, हेयर सब कुछ इंप्रूव होता है क्योंकि हम पानी भी पी रहे हैं, वर्कआउट भी कर रहे हैं, अच्छा डाइट भी ले रहे हैं, इसके साथ साथ अच्छी बुक्स भी पढ़ रहे हैं, तो हमारा मन भी अच्छा हो जाता है। नोफैप चैलेंज में आपको हमेशा अपने आप को बिजी रखना पड़ता है, कहीं आप मास्टरबेट ना कर लें। वहीं दूसरी तरफ 75 हार्ड चैलेंज में आपके पास टाइम ही नहीं होता है कुछ भी करने का, आप पूरे टाइम इतने सारे टास्क में बिजी रहते हैं तो आपके पास ये फालतू की चीजें करने के लिए टाइम ही नहीं होता है। तो ऑफकोर्स नोफैप चैलेंज यहाँ पे बुरी तरह से हारता है, बट 75 हार्ड चैलेंज काफी फुल मार्क्स से ये जीत जाता है। बट हमें ये समझना चाहिए कि 75 हार्ड चैलेंज अपने आपको इतनी एक्सट्रीम सिचुएशन में डालने का नहीं है, हम इसको अपने तरीके से मॉडिफाई भी कर सकते हैं। जैसे कि 2 hours का वर्कआउट हमें लिखा हुआ है, 2 घंटे निकालना, यहाँ पे लोग आधे घंटे नहीं निकाल पाते हैं वर्कआउट के लिए, तो 2 घंटे निकालना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। तो आप अगर आप 30 minutes भी वर्कआउट कर ले रहे हो ना, विच इज गुड फॉर यू, इसके साथ साथ 4 liters पानी अगर आप 3 liters भी पी लेते हो तो गुड फॉर यू, इसके साथ साथ अगर आप 5 में से 3 या 4 रूल भी फॉलो कर ले रहे हो एवरी डे तो भी ये चैलेंज आपके लिए सक्सेसफुल होता है। तो हमारा गोल ये है बेसिकली कि हमें हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो कर दिए जिससे कि हमारी स्किन, हेयर, बॉडी, मन सब कुछ इंप्रूव हो, ना कि अपने आप को इतना ज्यादा टॉर्चर करके एक स्पेसिफिक गोल को अचीव करना है। सो ये था मेरा आज का कंपैरिजन। लेट मी नो आप कौन सा चैलेंज करना चाहते हैं, नोफैप चैलेंज या फिर 75 हार्ड चैलेंज या फिर इनमें से कोई भी चैलेंज नहीं करना चाहते हैं। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई वुड लव टू रीड योर कमेंट्स। दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर विद योर फ्रेंड्स, एंड या आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय।